दाखिल मंडी में हुए नगरपालिका के 17 साल बाद चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। इसका हम अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि लोगों का हुजूम और क्या वृद्ध, क्या पुरुष और क्या युवा वर्ग, क्या महिला, सबने अपना योगदान भरपूर दिया है। हम इसका अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हम मतदान बूथों पर गए और देखा कि वार्डों में क्या स्थिति है चुनाव की, तो लगभग सभी बूथों पर, जितने भी वार्ड हैं, लगभग 12 वार्ड हैं और सब पर बराबर ही मतदान हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 1 में 669 में से 558 वोटिंग हुई है और वार्ड नंबर 2 की बात करें 925 में से 784 वोटिंग हुई। वार्ड नंबर 3 की बात करें तो 879 में से 800 वोट पड़े हैं और अगर 4 की बात करें तो 654 में से 585 वोटिंग हुई है। इसी तरह लगभग सभी वार्डों में अच्छी वोटिंग देखी गई है। लोगों ने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है और लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए उन्होंने मतदान में अपना सभी काम छोड़ करके हिस्सा लिया। अब बात करते हैं पाँचवें की, तो पाँचवें वार्ड में 723 में से 671 वोटिंग हुई और 9वें की बात करें तो 823 में से 650, 10वें की बात करें तो 754 कुल वहां पे वोटिंग होनी थी लेकिन उसमें से 663 हुई है। 11वें की बात करें और 12वें की तो 494 में से 447 11वें में और 12वें में 696 में से 691 वोटिंग पड़ी। बहरहाल ये बताता है कि हुजूम बहुत ही अच्छा था और मतदान जो है वो संपूर्ण हो चुका है। इस वक्त की यही ताज़ा जो रिपोर्टिंग है हम आपको बता रहे हैं कि जो मतदान है वो भरपूर हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। अब नतीजे क्या होंगे, किसका सूरज उदय होगा और किसका होगा अस्त, इसकी जानकारी हम 19 दिसंबर को ही दे पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन भारतपुरी के साथ मैं निशोक विद्यार्थी A1 हरियाणा।